पैरासाइट। आई थिंक कुछ हफ्ते पहले अगर मैं ये नाम लेता तो शायद आप लोगों को नहीं पता होता कि किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर इट्स मेजर ऑस्कर विन एंड अ हिस्टोरिक विक्ट्री एट द ऑस्कर्स, आई एम श्योर आप सबको पता है कि पैरासाइट कौन सी फिल्म है। इट्स दैट साउथ कोरियन फिल्म दैट वन सो मेनी ऑस्कर्स एंड ऑल्सो सो मेनी हार्ट्स। ये फिल्म मैंने फाइनली देखी, आई वॉन्टेड टू वॉच इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड लेट मी टेल यू कि ऑस्कर विनिंग ये जो फिल्में होती है ना, वो कई बार मैंने देखी है एंड आई हैव नॉट रियली लव देम एज मच एज आई थॉट दे वुड बी, आई वुड लव देम, बट पैरासाइट इज़ डिफरेंट। इसने जितने भी ऑस्कर्स जीते हैं आई थिंक इट टोटली डिजर्व्स। और ये फिल्म इतनी ज़्यादा डिजर्विंग इसलिए है बिकॉज इट रियली शोज एंड रीइंस्टेट्स द फैक्ट कि जो राइटिंग है वो स्ट्रांग होने से क्या होता है, और जो परफॉर्मेंसेज है उनकी स्ट्रांग होने से राइटिंग और ज़्यादा कितनी स्ट्रांग हो जाती है। यू डोंट नीड द अदर पैरामीटर्स विच आर जस्ट एक्सेसरीज टू गुड स्टोरी, जैसे कि गुड CGI, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मेकअप, कॉस्ट्यूम, सेट्स, ये सारी चीज़ें बेमाने हैं अगर स्टोरी अच्छी नहीं और अगर राइटिंग स्ट्रांग नहीं है। एंड दिस फिल्म हैज़ इट, विच इज़ वाई इट वन सो मच ऑफ प्रेज एंड सो मेनी अवार्ड्स एंड एकोलाज। और हाँ, सबटाइटल्स हैं, इट्स टोटली अ कोरियन, साउथ कोरियन फिल्म, लेकिन सबटाइटल्स के साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज द इमोशन इज़ यूनिवर्सल एंड द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, आप बहुत ईजिली उसको फॉलो कर सकते हो, इट विल नॉट डिस्ट्रैक्ट, यू विल बी एबल टू एन्जॉय द फिल्म एज अ साउथ कोरियन यू व्यूअर वुड। और जब आप ये फिल्म देखना शुरू करोगे एंड द काइंड ऑफ स्टोरी दैट इट टेल्स, यू विल बी ब्लोन अवे बिकॉज इट्स सच अ सिंपल स्टोरी। इट शोज द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड द क्लास डिवाइड सो वेल, और आज के ज़माने में खास करके फॉर द कंट्रीज़ जहाँ से हम आते हैं, जैसे इंडिया है, साउथ कोरिया जहाँ ये बनी है फिल्म, या फिर बाकी एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पर ये डिवाइड इतना ज़्यादा फैला हुआ है और इतनी ज़्यादा एक जगह इतनी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है जहाँ पर लोगों के पास ये टेंशन्स हैं कि कपड़े कौन से पहने या पार्टी में कौन सा खाना गेस्ट को खिला, और दूसरी जगह एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है उसी घर में जो हाउस हेल्प काम करते हैं उनकी लाइफ में। इसको इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली दिखा है इस फिल्म में, और ह्यूमर के साथ, टेंशन के साथ, थ्रिल के साथ, और ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट के साथ, दैट इट इज़ जस्ट अ टेक्स्ट बुक वे ऑफ मेकिंग अ फिल्म इन अ वे दैट ग्रिप्स द ऑडियंस फ्रॉम सीन वन टिल द लास्ट सीन। सो वेल, पैरासाइट को इतने ज़्यादा अकेडमी अवार्ड्स मिले, इतने ज़्यादा बाकी अकोलार्ड्स मिले, तो मैं कौन होता हूँ इसको रेट करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू रेट इट, बट आई एम गोइंग टू स्ट्रांगली रिकमेंड इट कि आप जाकर इसे देखें अगर आपको मौका मिलता है तो। वेल, जनरली तो मैंने बोलना छोड़ दिया पर ये रिव्यू इतना छोटा है तो आई थिंक टाइम है मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स @ReviewRon, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर नॉट देयर, यू आर हैव सम 7,000+ सब्सक्राइबर्स, वहाँ पे 1,000 भी नहीं है, इट्स नॉट फेयर, राइट? सी यू देयर।